पहाड़ के ये गांव जहां 300 साल से नहीं उड़ा होली का गुलाल। होली के नाम पर क्यों डर जाते हैं गांव वाले? इस गांव के लिए होली त्योहार है या अभिशाप? क्या हुआ था होली पर जो ये गांव होली नहीं मनाता? होली सुनकर इन गांव वालों को क्या याद आता है? होली के त्योहार पर रंग, खुशियां, गीत संगीत और रौनक होती है। कहा जाता है कि होली एक ऐसा त्योहार है जहां सारे गिले शिकवों को मिटाकर खुशियों के साथ एक दूसरे पर रंग लगाया जाता है और होली के त्योहार में रिश्ते और भी रंगीन नजर आते हैं। और पहाड़ों में तो होली से एक हफ्ते पहले ही इस त्योहार की धूम देखी जाती है। होली का रंग आसमान पर कई नई उम्मीदों और खुशियों के साथ उछाला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहाड़ में एक ऐसा जिला है जहां कई गांव में होली नहीं मनाई जाती, और होली न मनाने का कारण आपको चौंका देगा। दरअसल इन ग्रामीणों का कहना है कि देवी देवताओं के रोष के चलते गांव में होली नहीं मनाई जाती। किस गांव की मैं बात कर रहा हूं और क्यों ऐसा होता है, जानेंगे आज इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। एक और होली का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा जिला जिसके 3 गांव सदियों से होली के त्योहार से वंचित है, और वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल रुद्रप्रयाग जिले के 3 गांव में होली का ये पर्व नहीं मनाया जाता। ब्लॉक अगस्त मुनि के अंतर्गत ये तीनों गांव आते हैं, और पिछले 300 वर्षों से इन गांव में होली का रंग नहीं उड़ा है। यहां ग्रामीण होली से डरते हैं। होली के रंग से गांव वालों में खौफ है, क्योंकि इससे पहले जब आखिरी बार इन गांव में होली का जश्न मनाया गया था तो एक बीमारी ने गांव में लाशों का ढेर लगा दिया। क्या इंसान और क्या जानवर, एक एक करके सभी इस बीमारी से अकाल मौत मारे गए। इन गांव में जब भी लोगों ने होली मनाने की कोशिश की तो गांव में बीमारियों ने दस्तक दे दी, जिसके बाद अकाल मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। और वो सब मंजर देखकर बचे कुचे ग्रामीणों ने होली न मनाने का फैसला ले लिया, और पीढ़ी दर पीढ़ी उनका यह फैसला यूं ही कायम रहा। क्वीली, कुरझण और जोंदला, ये उन गांव के नाम हैं जहां आज तक लोग होली जैसे त्योहार को नहीं मना पाए हैं। होली न मनाने की वजह गांव वालों के मुताबिक भूमियाल देवता और कुल देवी का दोष है। गांव वालों का कहना है कि अगर कभी कोई होली खेलने या मनाने के बारे में सोचता है तो कुल देवी और भूमियाल देवता रोष लगा देते हैं, जिससे गांव में बीमारियां फैल जाती हैं, जो कि एक जानवर और इंसान के लिए जानलेवा साबित होती है। आपको गांव के एक युवा का बयान हम सुनाते हैं, जिसमें साफ शब्दों में ये युवा कह रहा है कि गांव में होली क्यों नहीं मनाई जाती। सुनिए। पुराने सालों से कभी वो चल रहा था, बुजुर्ग आदमी ये बोलते हैं कि वो बीमारी की वजह से नहीं खेल पाते हम लोग। अभी भी कोई बोलता है खेले, पर फिर भी मना करते हैं बुजुर्ग लोग कि बीमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो हो जाएगी, फिर गायों पे ये मन कुछ हो जाए, वो हो जाए, इस चक्कर में हम होली नहीं खेलते। होली के मौके पर जहां बाकी देशवासी खुशी मनाते हैं, रंग गुलाल उड़ाते हैं, वहीं इन ग्रामीणों में डर का माहौल बना रहता है। होली का त्योहार आते ही इन लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। जब आखिरी बार ग्रामीणों ने होली मनाई थी तो गांव में बीमारियों ने दस्तक दे दी थी, जिसके बाद गांव में हालात बिगड़ गए थे। उसी के बाद से गांव वालों ने होली जैसे भव्य त्योहार को मनाना छोड़ दिया। न जाने क्या परेशानियां और क्या असली वजह है जो होली पर ये ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हो जाते हैं। इनके कैलेंडर में होली का त्योहार गायब सा हो गया है। इस गांव में बरसों से होली का गुलाल नहीं उड़ा है, ना ही किसी ने एक दूसरे को होली की बधाइयां दी है। मानो इस गांव के लिए होली त्योहार न होकर एक अभिशाप रह गया है। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी जगह है जहां किसी त्योहार को नहीं मनाया जाता, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तमाम जानकारी जुटाई थी रुद्रप्रयाग से हमारे सहयोगी प्रवीण सिंहवाल ने। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहें उत्तराखंड।